एक बार बाबा अपने भूमियाधार आश्रम में थे। उन्होंने अपने एक भक्त तिवारी जी से चाय बनाने को कहा। तिवारी जी समझ गए कि जरूर कोई भक्त आ रहा होगा, क्योंकि बाबा तो चाय पीते ही नहीं। तभी एक गाड़ी आकर रुकी, उसमें से लगभग 45-50 वर्ष के एक दंपति उतरे। बाबा को प्रणाम करते ही रोने लगे। बाबा ने उन्हें ढाढ़स देते हुए कहा, रो मत, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उनके कोई औलाद नहीं थी। तिवारी जी अपने मन में सोचने लगे कि शायद बाबा ने उनका मन रखने के लिए ऐसा कहा है, वरना उनकी तो उम्र ही बहुत हो गई है। उनके चले जाने के बाद बाबा तिवारी जी से बोले, क्या हमने झूठ बोला है उनसे? तिवारी जी के मन की बात पढ़ ली थी बाबा ने। तिवारी जी बहुत शर्मिंदा हुए, उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी। लगभग 14-15 महीने बाद वे दंपति फिर से आश्रम आए। बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। वे बाबा के लिए फल, मिठाई और उपहार लाए थे और उनकी पत्नी के गोद में एक छोटा सा बालक था। जय हो नीम करोरी बाबा की, सदा जय हो माँ सिद्धि की, सदा जय हो। बाबा सदा अपना भक्तों का कल्याण करना प्रभु।